हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चंडीगढ़ की लड़की। तो आज हम चंडीगढ़ शहर में ही चंडीगढ़ के बहुत अच्छे गार्डन में आए हैं, जो कि आपको थंबनेल से शो हो रहा होगा, जो है हमारा जापानीज़ गार्डन। मैंने इसलिए इसे चुना क्योंकि हम अपने ही शहर में खूबसूरत जगहों को नहीं एक्सप्लोर करते हैं, बाहर जाते हैं, पहाड़ों में जाते हैं, जबकि अपने शहर में भी कुछ ऐसी जगहें होती हैं जिन्हें हम एक्सप्लोर कर सकते हैं और जो हमें खूबसूरत लगती हैं। तो इसलिए आज मैं इस गार्डन में आई हूँ, जो कि शो करता है इंडियन जापानीज़ कोलैबोरेशन से बना हुआ जापानीज कल्चर को। आप मेरे पीछे बिल्डिंग देख रहे हैं, वो हमारे जापानीज कल्चर को सिंबलाइज करती है। तो चलिए अब इस गार्डन को विजिट करते हैं और यहाँ की खूबसूरती को देखते हैं। तो ये जो गार्डन है, ये इंडिया और जापानीज के कोलैबोरेशन से बना है, पूरे जापानीज कल्चर को शो करता है। आप यहाँ देखेंगे, जैसा कि व्यू आता है आपको पता लगेगा कि यहाँ पर कैसे ये दर्शा रहा है, मतलब जापान में जैसे होता है वैसे ही यहाँ पर है। और दिस वॉज स्टार्टेड इन 2014 में बनाया गया था। बहुत ही खूबसूरत है, बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं इसे भी विज़िट करने, घूमने के लिए यहाँ पर, और यहाँ पर थोड़ा पिकनिक टाइप मनाने के लिए फैमिलीज़ के साथ आते हैं लोग। देखिए, पहले इस जगह पे काफ़ी पानी था, अब इन्होंने सब निकाल दिया है, ठंडी का टाइम चल रहा है। और ये जो बिल्डिंग है, ये मेन जापानीज़ में आपने मूवीज़ में भी देखा होगा, जापान की जो जापानीज़ मूवी होती है उसमें ऐसा ही पूरा कल्चर होता है, ऐसी बिल्डिंग्स होती हैं। तो देखिए, ये जो आपको स्लाइड दिख रही है, ये भी जापानीज स्टाइल में बनाई रखी है, जापानीज ड्रैगन। यहाँ पे बच्चे स्लाइड कर रहे हैं और बहुत ही खूबसूरत ही बनाया गया है। अब तो पुराना हो गया लेकिन फिर भी बहुत खूबसूरत है और इसको बच्चे अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हैं। देखिए कितना खूबसूरत है पीछे ये विजन जो बनाया है, कितना प्यारा आर्टिस्ट ने ये कवर किया है, कितना खूबसूरत ये लग रहा है। देखिए, एक कोरियन लेडी बैठी है, अपना व्यू है, ग्रीनरी है आसपास बहुत ज़्यादा। यहाँ पे बैम्बू ट्रीज हैं, बैम्बूज जो कि जापानीज बैम्बूज काफ़ी फेमस हैं। देखिए, तरह तरह के स्कल्पचर्स रखे हैं यहाँ पर। मुझे तो नहीं पता कि जापान में इन सब की क्या वैल्यू है, बट हाँ, जापानीज़ में कुछ इन कल्चर्स का होता होगा, कल्चर में कुछ ये होता होगा। तो यहाँ अलग अलग तरह के पत्थर अलग अलग डिज़ाइंस में रखे हुए हैं, मोटे कोई छोटे पत्थर स्कल्पचर्स हैं, और ये भी कुछ दर्शाता होगा जापानीज़ में। तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जापानी शाओलिन है जो कि वहाँ के डिसिप्लिन को शो करता है, और जापान तो फेमस है अपने डिसिप्लिन के लिए, बचपन से ही वहाँ पर लोगों को डिसिप्लिन सिखा दिया जाता है। तो ये मेन चीज़ है, वहाँ के सिंबल को याद रखिएगा, ये डिसिप्लिन को दर्शाता है। देखिए कितना खूबसूरत है ये फ्लावर्स, नेचर एट इट्स बेस्ट। ये सीजन ही ऐसा है फ्लावर्स का, ब्लूम करने का, और इतना खूबसूरत नज़ारा है। देखिए, पूरे पार्क में आप देखेंगे तरह तरह की जापानीज आकृतियाँ बनी हुई हैं, बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग्स हैं, बहुत अच्छे से बनाया गया है और बहुत अच्छे से इनमें कलर्स दिए गए हैं, बहुत खूबसूरत ये लगता है। तो देखिए ये कितना खूबसूरत बनाया है गार्डन, छोटा सा गार्डन बनाया है, और यहाँ पर मेन जो बुद्धा है वो, उनकी भी फ़ोटो है, बहुत प्यारी है, पूरा पेड़ों से ये ढका हुआ है एकदम, बहुत खूबसूरत है। और लाइटनिंग जब होती है रात में तो ये और बहुत ज़्यादा शाइन करता है, तो बहुत प्यारा लगता है, क्योंकि अब सर्दियों में तो रात भी जल्दी हो जाती है, 5 o'clock के नियर अराउंड अंधेरा हो जाता है, तो लाइटनिंग और अच्छी लगती है। देखिए ये यहाँ पे क्रोकोडाइल हैं बना रखे हैं, असली नहीं है लेकिन दूर से देखेंगे तो बिल्कुल असली ही नज़र आएंगे। ये एक साइड पर, अभी चल के हम ब्रिज के दूसरी साइड देखेंगे कि वहाँ पर भी कोई घड़ियाल है या नहीं, तो चलिए देखते हैं। बहुत ही खूबसूरत ये बना रखा है। तो एक बार झांक लेते हैं, ये दोनों साइड इन्होंने बना रखे हैं,
देखिए एक और क्रोकोडाइल, नॉट रियल, शायद तालाब बनाया गया था लेकिन अब पानी सूखा हुआ है, तो अगर यहाँ पर पानी होता तो ये सचमुच असली के ही लगते, और लेकिन बहुत खूबसूरती से बनाया गया है। तो फ्रेंड्स ये हो गई हमारे जापानीज गार्डन को हमने पूरा एक्सप्लोर कर लिया है, देख लिया है, बहुत खूबसूरत है, आप बहुत टाइम लगा सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर आने के लिए आप पिकनिक के लिए आ रहे हैं या फिर घूमने भी आ रहे हैं तो थोड़ा बच्चों के लिए, अगर बच्चे हैं साथ में तो या बड़े भी हैं तो खाने के लिए कुछ अपने साथ ज़रूर रखिएगा, वाटर बॉटल भी रखिएगा, क्योंकि जब आप ऐसी जगह पर घूमने आते हैं तो आपको भूख भी लगी आती है चाहे आप खाना खा के भी आएँ। तो अंदर कैंटीन नहीं है इसलिए मैं कह रही हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक बने रहिए।